और इस वक्त हमें आप पे और भी गुस्सा है। क्यों? अभी हमने क्या किया? क्योंकि हमारे साथ इतना वक्त रहने के बाद भी आप हमें समझ नहीं पाए। हम मजाक कर रहे हैं। दीदी की चाय। कितने बज गए? सुन रहे हो? कितने बज गए? मुझे पेपर पढ़ना था। 5 बजे रोज मुझे चाय चाहिए होती है, तुम्हें पता है। अरे अभी तक आई नहीं है महारानी, चाय की तलब उठती जा रही है। कादंबरी आज ही तो आई है, उसे कैसे पता चलेगा कि तुम्हें 5 बजे ही चाय चाहिए? भाई राजा की बहन होगी तो अपने घर, लेकिन मेरे घर में तो ना बहू है बस। दीदी आपकी चाय। देखा, पहले दिन ही तुम्हारी पसंद नापसंद जान गए। ओहो नंदिनी, ये तुमने क्या किया? अरे नंदिनी, तुम्हें किचन में जाने की क्या जरूरत थी? पता है हमारे यहाँ रिवाज है कि बहू पहले दिन किचन में कुछ मीठा बनाती है। लेकिन अब ठीक है, लेकिन किचन में जाने से पहले मुझसे पूछ तो लेती। अरे अभी तो उसे चाय चाहिए थी, आप कौन सा नाटक शुरू कर दिया उसने? अभी वो नहीं है, उसकी समझ में जो आया उसने किया। कम से कम इसने कोशिश तो की। आहा, अब तुम घर की बातों में बीच में मत बोला करो। ये ननन भाभी की आपस की बात है, अब छोटे गलती करते हैं तो बड़े थोड़ी सी डांट तो लगा ही देते हैं। तुम ऑफिस में गलती करते हो तो भाई राजा तुम्हें डांटते नहीं है? क्या हुआ दीदी, चाय अच्छी नहीं बनी? अरे प्रिंस, मेरी तो किस्मत ही खराब है। देख ना, नंदिनी चाय बना के ले आई है। तुझे तो पता है हमारे यहाँ के रीति रिवाज, अरे जब नई बहू घर आती है तो पहले कुछ मीठा बनता है किचन में, लेकिन ये तो चाय बना के ले आई। अब सच कहूं तो मेरा मन ना थोड़ा कच्चा कच्चा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मुसीबत आने वाली है।